आईपीएल 2024 का 64वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच की समाप्ति के बाद अब आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस से 5 टीमें पूरी तरह बाहर हो चुकी है, तो वहीं 2 टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और अब 2 स्थान के लिए 3 टीमों के बीच संघर्ष बचा हुआ है। यहां हम बात करते हैं 64वें मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में किस टीम की स्थिति कैसी है और अब कौन कौन सी टीम के बीच प्लेऑफ की रेस बची हुई है और अब यहां से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब कितनी जीत चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 64वें मुकाबले की। 64वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 189 रन ही बना सकी। इस तरह से इस मैच को दिल्ली कैपिटल की टीम 19 रन से जीतने में सफल रही, लेकिन इस मैच को जीतकर भी दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। वहीं इस मैच को हारकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। इस मैच की समाप्ति के बाद जो पॉइंट टेबल जारी किया गया उसमें 10वें स्थान पर पंजाब किंग्स, 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस, 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस और 7वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। ये चारों टीमें अब प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। वहीं 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल की टीम है, लेकिन दिल्ली कैपिटल का रन रेट माइनस में है, इसलिए दिल्ली कैपिटल की टीम भी अब प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अब यहां से 5 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी पॉइंट टेबल में शीर्ष पर है, जबकि केकेआर का एक मुकाबला अभी भी बचा हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिसके पास अभी पॉइंट टेबल में 16 अंक है। ये दोनों टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, इसलिए अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 2 स्थान बचे हुए हैं, जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर हैदराबाद और आरसीबी के बीच संघर्ष है। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लेऑफ में पहुंचने की जिसकी संभावना है वो है सनराइजर हैदराबाद की टीम, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की टीम का अभी भी 2 मुकाबला बचा हुआ है, जिसमें सनराइजर को एक मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उतरना है तो एक मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ उतरना है। अगर सनराइजर हैदराबाद की टीम दोनों में से किसी एक को भी हरा देती है तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। यानी अब एक स्थान के लिए जो संघर्ष दिख रहा है वो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच दिख रहा है, लेकिन दोनों में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी इसका फैसला 18 मई को होगा, क्योंकि चेन्नई के पास भी एक मुकाबला बचा है और आरसीबी के पास भी एक मुकाबला बचा है और दोनों को आपस में ही आखिरी मुकाबले में उतरना है। यानी चेन्नई और आरसीबी की टीम 18 मई को जब मैदान पर उतरेगी तो वह मुकाबला काफी हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। उस मुकाबले के बाद ही ये तय होगा कि चेन्नई की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी या फिर आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, क्योंकि उस मुकाबले में अगर चेन्नई की टीम हारती है तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी और आरसीबी की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं अगर आरसीबी की टीम वहां पर हारती है तो चेन्नई की टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी।